हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ एक मिनी डिजिटल एटीएम। ये एटीएम बिल्कुल जैसे रियल वाला एटीएम होता है ना दोस्तों, उसी तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं एटीएम किस तरह से काम करता है। इस मिनी डिजिटल एटीएम को मैंने खरीदा था अमेजोन से। ये रहा अमेजोन, इसे मैंने खरीदा था 23 दिसंबर को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा हमारा एटीएम, बड़ा ही कमाल का एटीएम है। इस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो इसका प्राइस है 1550। आप अगर इस एटीएम को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस एटीएम को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। ये एटीएम हमें दो कलर्स में मिल जाता है, एक है पिंक कलर और एक है ब्लू व्हाइट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। तो मैंने ये कलर मंगवाया है क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट कलर ब्लू है। आपका कौन सा सबसे फेवरेट कलर है गाइस, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो इस मिनी एटीएम के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एटीएम कार्ड पासवर्ड सेटिंग है इसके अंदर, द टाइम फंक्शन सेट है, द बैलेंस ऑटोमेटिकली कंप्यूट्स है इसके अंदर, द कॉइन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज है इसके अंदर, यानी कि आप इसके अंदर जो भी कॉइन डालते हो ये मशीन रिकॉग्नाइज कर लेती है कि आपने कितने का कॉइन डाला है इसके अंदर। डिपॉजिट टारगेट सेटिंग भी लगा सकते हो आप इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है एटीएम विद साउंड इफेक्ट्स वाओ। तो इस तरह का बॉक्स है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है। तो चलिए इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। ऊपर हमें मिल जाती है इसकी यूजर गाइड, इसे रख देते हैं साइड में। ऊपर एक प्लास्टिक भी है, इसे भी रख देते हैं साइड में। अभी हमारे कमाल के एटीएम को निकाल लेते हैं बाहर, देख सकते हो बॉक्स हो चुका है खाली। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको अभी ये एटीएम दिखा देता हूँ, देख सकते हो। पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसका स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पर हमें 3 बैटरीज डालनी होती है। तो मैं आपको बैटरी भी डालकर इसे ऑन करके इसके सारे सेटिंग्स बताने वाला हूँ गाइस आज की वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इस मिनी एटीएम के बारे में। तो इस एटीएम के अंदर हमें 4 कलर्स मिल जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देख सकते हो, यह है सैन कलर, यह है ब्लू कलर, यह है व्हाइट, यहाँ पे येलो भी दिया गया है, ऑरेंज भी दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त लुकिंग है इसकी, नीचे देख सकते हो कुशन भी लगाया गया है। तो इसके अंदर हमें यहां से कॉइन्स डालनी होती है। यहाँ पे इसका एटीएम कार्ड, ये रहा, बहुत ही मस्त है यार, देख सकते हो कितना छुटकू सा एटीएम कार्ड मिला है हमें इसके साथ। तो इसे वापस यहीं पर ही लगा देते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर नोट्स डाल सकते हैं गाइस, और यहाँ से इसे निकाल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर बैटरीज डाल लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पूरी तरीके से इसको दिखा दूंगा इसे किस तरह से सेट करना है। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो तीनों बैटरीज डाल दिए हैं मैंने यहां पर, इस कवर को लगा देते हैं। ओके, इसके अंदर डाल ली है मैंने बैटरीज। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर इसका डिस्प्ले बता रहा है अभी, यहाँ पे एक एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला डिस्प्ले है। तो हम यहाँ से इसके अंदर जो अभी आपको दिख रहा है ये टाइम दिखा रहा है यहाँ पर 12:01। तो यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो टाइम सेट करने के लिए पहले हमें ये कार्ड बाहर निकालना होता है। तो वापस से इस कार्ड को लगा देते हैं यहाँ पर। तो अभी टाइम सेट करते हैं हम इसके अंदर। तो इसे एक और बार दबाने पर देख सकते हो यहाँ पर डेट दिखा रहा है, इसे भी मैं आपको सेट करके बताता हूँ कैसे सेट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे 12 ब्लिंक हो रहा है। तो अभी टाइम हो चला है 11 बज रहे हैं यार अभी। तो यहाँ पे टाइम सेट कर लेता हूं मैं 11:31। ओके, तो इसे वापस से प्रेस कर देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ईयर डालना होता है हमें। तो अभी चल रहा है 2020, तो ये आ गया 20। तो ये है मंथ, यहाँ पे डाल देता हूँ मंथ 12,
तो आज डेट है 25th। दोस्तों मैं ये वीडियो रात को 11 बजे बना रहा हूँ 25 तारीख के दिन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा डेट और ये रहा टाइम, यानी कि मैंने इसके अंदर डेट और टाइम सेट कर दिया है। तो चलिए अभी मैं इसके अंदर मनी डालते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। इसके अंदर पहले हम कॉइन्स डाल के टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो 2 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स हमें यहाँ पर डालना होता है। अभी देखना गाइस ये किस तरह से डिटेक्ट करता है मैं कौन सा कॉइन डाल रहा हूँ इसके अंदर। जैसे कि देख सकते हो गाइस, मैंने अभी 5 रुपीज़ का कॉइन डाला, यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया था। तो वापस से एक और कॉइन डाल के मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो फिर से वापस से 5 रुपीज़ दिखा रहा है। तो अभी तक हमने इसके अंदर 10 रुपीज़ डाले हैं। तो इसके अंदर अभी बैलेंस कितना है आप चेक करने के लिए आपको एक कार्ड लेना होगा। कार्ड यहाँ पर आप इंसर्ट कर दोगे इस तरह से, तो भी आप ये बटन दबाना होगा आपको SUM का। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपीज़ दिखा रहा है, यानी कि आप जितने पैसे इसके अंदर डालते हो ये उसका पूरा कैलकुलेशन करके रखता है गाइस। ये रहे दोस्तों पेपर मनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी टोटल 10,000 है। तो ये रहे 8,000 और ये रहे 2,000। तो इसके अंदर मैं आपको डाल के भी बता देता हूँ। पहले हम डालेंगे 500 के नोट्स, ये टोटल 2,000 है। तो इसे हमें कंपलसरी इस तरह से फोल्ड करना होगा। फोल्ड करके डालोगे तो ही ये मशीन एक्सेप्ट करेगी गाइस। तो ये रहा पैसे डालने के लिए बटन, तो इसे प्रेस करना होगा एक बार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने पैसे डाल रहे हो इसके अंदर। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2,000। तो यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ मैं 2,000। ओके 2,000 प्रेस कर दिया मैंने। तो अभी इसके अंदर डाल देते हैं पैसे। इसका स्लॉट इन लोगों ने बहुत ही छोटा दे रखा है गाइस। तो वापस से बटन को दबाना होता है। तो ये मशीन पैसे एक्सेप्ट कर चुकी है। तो अभी इसके अंदर अमाउंट टोटल कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो टोटल यहाँ पे 2,000.10 रुपीस। तो ये भी पैसे डाल लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद में पैसे निकालना कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो इसे फोल्ड कर देते हैं। गाइस आपने मेरी प्रीवियस वाली पिगी बैंक की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। उसके अंदर यार कुछ अलग ही फीचर था। जैसे हम यहाँ पर नोट रखते थे वो मशीन ऑटोमेटिकली नोट्स को सक कर जाती थी। वो फीचर बढ़िया था उसके अंदर। वो वाला फीचर अगर इसके अंदर होता तो बहुत ही मजा आता गाइस। पर इसके अंदर कॉइंस वाला फीचर दिया गया है, वो मशीन के अंदर कॉइंस वाला फीचर नहीं था। मैंने अभी तक बहुत ही तरह तरह की पिगी बैंक्स की अनबॉक्सिंग की है गाइस। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें देख भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो ये रहे 8,000 रुपीस, इसे भी हम डाल देते हैं इस मशीन के अंदर। ये डाल दिया मैंने, वापस से यही बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी टोटल है देख सकते हो 10,000.10 रुपीस है इसके अंदर। तो भी इन पैसों को निकालना किस तरह से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर और भी ढेर सारे फीचर्स है गाइस, मैं वो सारे आपको बता दूंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। तो आप इसके अंदर कोई भी काम करने के लिए गाइस आपको ये कार्ड कंपलसरी रहना चाहिए, वरना आप देख सकते हो यहाँ पे आप कोई भी बटन दबा लो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगी ये मशीन। यानी कि इस मशीन को एक्सेस करने के लिए ये कार्ड कंपलसरी है। आप अगर इस मशीन को जोर जबरदस्ती करके खोलना भी चाहो तो खुलेगी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो इसे खोलने के लिए ट्राई करते हैं एक बार। तो देख सकते हो मैं इसे जैसे ही ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इस तरह से बजर बजने लगता है इसके अंदर। मतलब आप इसे खोल ही नहीं सकते हो इस कार्ड के बगैर। तो कार्ड इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर पहले हम। अभी गाइस मान लो कि मुझे इसके अंदर से 5,000 रुपीस निकालना है, तो मैं यहाँ पे पहले ये प्रेस करूँगा बटन इस तरह से, और फिर यहाँ पे अमाउंट इंटर करूँगा 5,000, और वापस से यही बटन दबा दूंगा। अभी यहाँ पर हमें डालना होता है इसका पिन, इसका डिफॉल्ट पिन आ जाता है 0000 1 2 3 4। तो देख सकते हो यहाँ पे एक लाइट जल जाती है और ये इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर से सारा पैसा निकाल भी सकते हैं। तो इसके अंदर और भी फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ गाइस। वापस से लॉक हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर आप इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे देख सकते हो की का सिंबल दिया गया है, पहले हमें इसे प्रेस करना होता है इस तरह से। अभी जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उसे डालना होता है, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 0000। ओके, अभी हम नया पासवर्ड डालते हैं इसके अंदर, यह है इसका नया पासवर्ड 1234। वापस से यही बटन दबा देते हैं तो पासवर्ड चेंज हो चुका है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक और फीचर है, मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो यह है सेट का बटन, और यहाँ पे है डे, और ये रहा मनी का बटन। इस मनी के बटन से आप यहाँ पे एक टारगेट सेट करते हो गाइस, आपको इसके अंदर डेली कितने पैसे जमा करना है वो टारगेट आप यहाँ पर सेट कर दोगे, तो ये आपको बजर भी बजाकर बता देगा कि आपको डेली इतने पैसे इसके अंदर जमा करने हैं। और ये रहा डे वाला बटन, आपको इसे दबाकर इसके अंदर सेट कर सकते हो कि आपको डेली इसके अंदर से कितने पैसे निकालना है, वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो इस मशीन के अंदर। ये मशीन मुझे बहुत ही कमाल की लगी गाइस, इसकी क्वालिटी और इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, दूसरे एटीएम्स के अंदर ये फीचर्स आपको नहीं मिलता है। बड़ा ही कमाल का पिगी बैंक लगा गाइस मुझे। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस पिगी बैंक को खरीद भी सकते हो। मुझे इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगी कि ये मनी को बिल्कुल भी सक नहीं करता है। दूसरे पिगी बैंक्स के अंदर आपने देखा होगा गाइस, जैसे हम यहाँ पर पेपर मनी रखते हैं ये ऑटोमेटिकली मनी को सक कर लेता है। तो ये कॉइन वाला फीचर मुझे बहुत ही कमाल का लगा यार, पता नहीं लोगों ने यहाँ पे क्या सेंसर बिठा रखा है। आप जो भी कॉइन डाल लोगे इस 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी की, आप जैसे ही इसके अंदर कॉइन डालते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको कॉइन दिखा देता है कि आपने इसके अंदर कौन सी वाली कॉइन डाली है। तो ये फीचर भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये कार्ड के बिना आप इस मशीन को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपको ये एटीएम मशीन कैसी लगी गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने एक आरसी किंग कोबरा की वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो यार जाकर जरूर से देखना, बड़ा ही कमाल का सांप था यार। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है जतिन चंद्राकर, नैतिक, नेविल, साबिर खान, आराध्य शर्मा, प्रनीत भाटिया, राजांश सराफ, तुहिन मंडल, कामरुल हसन, यश, कुणाल कार्लेकर, निहार, युवल परमार, कनिष्क, शामिर आलम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों के नाम से लिख करूंगा जो भी यहाँ पर इस वीडियो पर लाइक करेंगे, नीचे एक बढ़िया वाला कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।